नमस्कार, केकेआर न्यूज की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं, यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो साइबर क्राइम के अलग अलग नेटवर्क का पुलिस ने किया भंडाफोड़। हिंदू धर्म में सावन का महीना रखता है विशेष महत्व। सावन में की जाती है भगवान शिव की आराधना। हिंदू पंचांग के अनुसार पांचवा महीना सावन कहलाता है। इस साल सावन 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। जबलपुर दमोह नाका बाबू भाई की होटल के समीप रात को एक युवक की चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। मृतक एक सड़क दुर्घटना के बाद भाग रहा था, तभी दो अन्य युवकों से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से संचालित किए जाने पर दो पेट्रोल पंप सील। बिना वैध अनुमति के पेट्रोल पंप के संचालित किए जाने पर खाद्य विभाग होशंगाबाद की टीम ने की तत्परतापूर्वक कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिले में सतत निरीक्षण। पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली कलयुगी की लुटेरी दुल्हन खातेगांव पुलिस की गिरफ्त में। दलाली करने वाले आरोपी सुरेंद्र उर्फ बंटू से पुलिस ने नकदी और आरोपी महिला रीना से सोने चांदी की ज्वेलरी की जब्त। झालावाड़ में 72वें वन महोत्सव में घर घर औषधिक योजना के तहत किए गए पौधे वितरण। रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने के लिए लगाए तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के औषधि पौधे। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर पैदा किए सैकड़ों फर्जी अस्पताल। सीएमएचओ ने पूरे प्रदेश में एक दो कमरे के अस्पतालों को दी मान्यता। प्रदेश सरकार ने इस कालिक से हाथ साफ करने के लिए भोपाल में 10 और पूरे प्रदेश में लगभग 60 अस्पताल बंद करके इस बात पर पर्दा डालने की चेष्टा की। हरदा सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 लाख रुपए का गांजा जब्त कर दो युवकों को पकड़ा। हरदा पिलिया खाल के पास किया गिरफ्तार। शहर की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे अब जंगल भी कम हो रही है। जंगल में रहने वाले जानवर अब रहवासी इलाकों की तरफ कर रहे हैं रुख। जबलपुर के आधारताल में एक जंगली जानवर बस्ती में घुस गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जानवर का नाम पेंगोलिन है। इंदौर में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब पकड़ने को लेकर मुहिम चला रही है। जबलपुर में भी आबकारी विभाग ने करीब 8 लाख रुपए की शराब पकड़ने में सफलता हासिल की। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से भागने में हुए कामयाब। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहे केकेआर न्यूज़ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।